देवानंद को दिखाया था, देवानंद को मैंने अकेला दिखाया था। ये आप देख सकते हो देवानंद, सही बोल रहे हैं। देवानंद वाली बात, कितने पैसे लेते हैं ये बताओ पहले? तो जैसे लेते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लेटर है जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, सबसे बड़ा यूट्यूबर निकला भाई, उसके मतलब 1,00,000 करीबन सब्सक्राइबर थे। जाने के लिए 150 बड़ा बंदा 60 में बना लिया तब भी नहीं गए उसके पास। मैं लेटर दिखा रहा हूँ यहाँ पर, देखिए इनको पढ़ना नहीं आता है पर हमसे 600 रुपए मांग लिया। हाँ जी सर, ये देखिए लेटर, ये मेरे को बताने से कुछ नहीं हुआ, वहाँ को ऑफिस में जाना पड़ेगा, वो फोन करेंगे तो आपको अलाउ कर देंगे। कौन सा ऑफिस है? भगा और दिया, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, हमें यहाँ से जाना पड़ रहा है। आ रहे सारे? यस। गुड मॉर्निंग गाइस, तो आज हमारा पहला दिन जैसलमेर में और अभी हम जा रहे हैं जैसलमेर फोर्ट, तो मैं मिलता हूँ आपसे जैसलमेर फोर्ट जाके। तो गाइस हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं जैसलमेर फोर्ट। ये लोग आपसे 15 से 20 रुपए मांगेंगे, लेकिन हमने इनको 15 रुपए सवारी पे कन्विंस कर लिया था, ये आपके ऊपर है। और मैं आपको दूंगा इस वीडियो में ट्रैवलिंग टिप नंबर 1, जो कि है ऑलवेज कीप द चेंज, यू विल नॉट फाइंड एनी चेंज, वी ऑल ओनली हैव 500। बस भैया इतनी अंग्रेजी का फिर भी भैया आप देख, अब मैं आपको घुमाता हूँ फोर्ट, और कुछ होगा बताने लायक तो बता दूंगा। पंजाबी आऊंगी वो कह रहे हैं इनते ना खरीद, मेरे ते खरीद ले, मेरे को नहीं बांट रहे, सारे मेरे बांट रहे, सारे मेरे बांट रहे। तो अभी पढ़ने में थोड़ी अंग्रेजी निकालने की कोशिश करी थी उनसे, लेकिन कुछ कंटेंट निकला नहीं, भगा और दिया। कोई नहीं भाई, ये लोग भी बोर हो गए होंगे भाई एक ही चीज करके। अपने साथ लाए हैं भैया गाइड ही है। कौन सा कोर्स किया? BBAT। BBAT दैट्स अ कोर्स गाइस, आप भी कर सकते हो। देवानंद को मैंने अकेला दिखाया था, ये आप देख सकते हो देवानंद। 30 रुपए लूंगा, 30 रुपए पूरा किलो दिखाऊंगा, 20 रुपए। ये देखो भाई 10 रुपए बचा लिए हैं यहाँ पर। महल इस कुएं को देखो आप, चारों जने मेरे साथ राजा रानी का महल देखने चलोगे ना, तो हर राजा के साथ भगवान कृष्ण जी का फोटो दिया हुआ है, क्योंकि हमारे जो राजा है ना वो भगवान कृष्ण जी का वर्णन करते हैं। अब ये उस जमाने की बात है, जिस जमाने में महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ था ना, लॉर्ड कृष्ण अपने परम मित्र अर्जुन के साथ द्वारिका से निकलकर एक रथ पे बैठकर और पूरे हिंदुस्तान की यात्रा कर रहे थे, अचानक उनका रथ किसी त्रिकुट पहाड़ी से गुजर रहा था, तो अर्जुन ने अपना रथ यहाँ रोका था। अर्जुन को उस समय यहाँ लगी थी प्यास, अर्जुन ने यहाँ पर भगवान कृष्ण से पीने के लिए पानी मांगा था, तो सबसे पहले भगवान कृष्ण ने अपने सच्चे मन से दो दर्जन चक्र को याद करके और उसको खुदवाया था। अर्जुन ने जो पानी पिया था ना, अर्जुन को पानी पीता देख भगवान कृष्ण ने वरदान दे दिया, अर्जुन तुमने यहाँ का पानी पिया है, अब तू याद रखना आने वाले समय में मेरे वंश के बच्चे इस पहाड़ के ऊपर किला बनाएंगे और वर्षों तक राज्य करेंगे। तो यहाँ के जो राजा है वो भगवान कृष्ण के बन रहे हैं, और ये कृष्ण ने अर्जुन के लिए खुदवा था। अब आ गया आपको ट्रैवलिंग हैक नंबर 2 बताने का, बताओ भैया। हरियाणा में कुछ हो जाए ट्रैवलिंग पूरा ट्रैवलिंग किया लगी जी से है, बिंदास बोतल लेके चलो, अपने बोतल पानी, सही बात है ठंडी।
गाइस मैं खड़ा हूँ जैसलमेर फोर्ट के टॉप पे और कुछ ऐसा दिख रहा है यहाँ से व्यू। सी लेवल से 250 फुट ऊपर है ये और कुछ तो भाई बढ़िया वीडियो आ रही है यहाँ पर। ओह एक्सक्यूज मी, कैन यू क्लिक अ फोटो फॉर अस, थैंक यू। राजस्थान में ये परंपरा है, जयपुर के राजाओं को महाराजा कहते हैं, उदयपुर के राजाओं को महाराणा कहते हैं, लेकिन जैसलमेर के राजा को महारावल कहते हैं। तो यह थे हमारे पूर्व महारावल स्वर्गीय श्रीमान ब्रजराज सिंह जी और ये हमारी रानी हैं। अब अमिताभ बच्चन और जया बच्चन 2003 में ये मेल देखने आए थे। इन दोनों को लाने वाले ये समाजवादी पार्टी के नेता अमर सिंह लेके आए थे। अच्छा, और ये है जोधपुर के राजा श्रीमान गज सिंह जी। अच्छा, ये उनकी रानी है। अच्छा, अब मैं आपको महल में ये सारे आइटम जो ये लोग देख के गए हैं ये सारी चीजें आपको अंदर दिखाऊंगा। अब ये सुनो, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लेटर है हमारे लिए, यहाँ पर एंट्री फी है। ये गवर्नमेंट का है नहीं, ये सरकार का निजी है। हम लोग खड़े हैं अभी राजा के निजी महल में, लेकिन एंट्री के लोग बोल रहे हैं 200 का पर हेड। पढ़ने मैंने बहुत ट्राई की कि हमें फ्री में एंट्री मिल जाए, लेकिन हमें एंट्री नहीं मिली। तो मेरे को नहीं लगता कि हम देखने जाएंगे, 1000 रुपये पड़ेगा हमें टोटल, 150 रुपये फोन का और 200 रुपये एंट्री। जाएंगे हम लोग? हम लोग नहीं जा रहे, मैंने पहले ही कह दिया था आपको। तो जैसलमेर फोर्ट हमें पूरा अंकल ने घुमाया था और यहाँ पर और भी गाइड्स हैं जिन्होंने काफी ज्यादा फीस मांग रहे थे, लेकिन अंकल ने हमसे 30 रुपये मांगे थे पूरा घुमाने के लिए। अंकल, ये देवानंद वाली कहानी सुनाओ। देवानंद आपको मैंने खिला गाइड किया था, ये देवानंद जी यहाँ आए थे, इनको मैंने गाइड किया था। अच्छा, 99 की बात है। अच्छा, ये अंकल सही बोल रहे हैं, देवानंद वाली बात बाकी गाइड के प्राइस कितने पता है आपको यहाँ पर? 100-150 है ना, ठीक है चलो ठीक है। देखो गाइस, ये दोनों लोग प्लास्टिक की स्ट्रॉ यूज कर रहे हैं। मैं आपसे वो करूंगा कि प्लास्टिक की स्ट्रॉ यूज मत करना, पेपर की स्ट्रॉ यूज करना। ये देखो अंकल, पेपर की स्ट्रॉ, अंकल पेपर की स्ट्रॉ यूज करेंगे, ये तो खत्म हो गई। हम ये यूज करेंगे खाली ग्लास में वीडियो बनाने के लिए, प्लास्टिक की स्ट्रॉ यूज ना करो, कम से कम लोग फॉलो करेंगे। थैंक्स अ लॉट। आपको मतलब फालतू पैसे जरूरत नहीं है खर्च करने की, कोई भी ऑनलाइन कोर्सेज में अगर आपको अंग्रेजी सीखनी है, स्पेनिश सीखनी है, आप यहाँ आ सकते हैं, यहाँ आपको सिखा देंगे। एक हफ्ता इनके साथ गुजारी है, आपको सारी लैंग्वेज आ जाएगी, यहीं बैठते हैं। तो हम लोग जा रहे हैं पटवाओं की हवेली जैसलमेर फोर्ट से, और यहाँ से कुछ करीबन 1.5-2 किलोमीटर है। ये लोग 20 रुपये सवारी बोल रहे थे, लेकिन हम पैदल जा रहे हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, ट्रैवलिंग हैक नंबर 3, बहुत ही आसान है, सीधा सीधा है, 1.5 किलोमीटर ज्यादा नहीं है। हैक क्या है? 10 मिनट वॉकिंग हैक, ये है कि आप पैसे बचा सकते हो बहुत इजीली वॉक करके। अगर पढ़ने वे के साथ ट्रेवल कर रहे हो तो भैया 1-1 रुपये बचा देंगे, देख रहे हो इतना चल गया भैया, पतले नहीं हो पा रहे। किसी की बिल्कुल मेंटेन करके चलते हैं। चलो भाई ठीक है, तो हम लोग पहुंच चुके हैं पटवाओं की हवेली। टोटल हमें 15 मिनट लगे, हम पैदल ही आए 4 बंदे, ठीक है। अब यहाँ टिकट मैं दिखा देता हूँ आपको, टिकट ये है फीस, अपने भी अपना जादू दिखाएंगे। डायरेक्टर ऑफ इंडिया। तो 400 रुपये एंट्री थी, अब प्रणय भाई ने कर दिया अपना जादू। भैया आओ यार, ये भाई मैंने पहले बोल दिया था कि ये टिकट मिल जाएगी हमें, उन्होंने टिकट ना देखे, मैं अलग से लिख दिया। अच्छा, मैंने बोला पीएम ऑफिस आए और वो मान गए, हमें टिकट मिल गई। चलो भाई अब घूमते पटवा के अवेली। नॉर्मल 300 वैसे 500 है, चलो ठीक है भैया, थैंक यू, कोई बात नहीं। पटवाओं की हवेली में एंट्री की थी, तो वहाँ पर हमें एक गाइड मिला था, तो हम उसे बोल रहे थे कि हम लोग बहुत बड़े यूट्यूबर है, या तो रेट कम कर दे या फ्री में घुमा दे। तो भाई ज्यादा आ गया, वो हमसे बड़ा यूट्यूबर निकला भाई, उसके मतलब 1 लाख करीबन सब्सक्राइबर थे। कह रहा नॉर्मल घुमाऊंगा 300 लूंगा, यूट्यूब वाले तो 500 लूंगा। जब इस ट्रिप के लिए हम लोग निकल रहे थे तो हमारे बहुत से दोस्त हमें मना कर रहे थे कि इस सीजन में मत जाओ, क्योंकि ऑफ सीजन है। अब मुझे ऑफ सीजन के फायदे बताओ कि क्या फायदा हुआ हमें जैसे आने का? सबसे बड़ी बात तो हर जगह वार्निंग,
ठीक है, वेदर बहुत बढ़िया इस टाइम, बहुत ज्यादा भीड़ में तसल्ली से घूम नहीं सकते, जल्दी जल्दी इतना भीड़ लगी होती है, आराम से प्रॉपर फोटोग्राफी आराम से कर पा रहे हैं, इजी घूम पा रहे हैं, बहुत एक्सट्रीम क्राउड भी नहीं है बट अच्छा क्राउड है। अब हम जा रहे हैं गढ़ीसर लेक, और जैसे हम बाहर निकले यहाँ से 2 किलोमीटर है गढ़ीसर लेक, ठीक है, और ये लोग हमसे मांग रहे थे 150 रुपये 4 बंदों का, पर मैंने इनको कन्विंस किया 60 रुपये में। अब हम जाएंगे गढ़ीसर लेक और मैं आपसे मिलता हूँ, शायद हम बीच में लोकल मार्केट में मिलेंगे, और ये सब कुछ आपके ऊपर है किराया, ये सब जो आप देते हो 20 रुपये सवारी 30 रुपये सवारी, कितना कन्विंस कर सकते हो इनको, ठीक है, रेट तो मुझे भी नहीं पता जेन्युइन क्या है। तो पटवाओ की अभी से गढ़ीसर लेक 60 रुपये 4 बंदे। तो मैंने भाई कोलकाता, अलाहाबाद, चंडीगढ़, बेंगलोर इन सबके गोलगप्पे खाए, अभी आए हैं हम लोग जैसलमेर, मैं आपको यहाँ के गोलगप्पे खा के बताता हूँ कैसे हैं। तो भैया मैं दे रहे हैं 10 की 5 पानी पूरी, ठीक है, और बिल्कुल लाइव रिएक्शन दूंगा कैसे गोलगप्पे हैं। भैया हमने बोल दिया तीखा खिला, कैसा लगा भैया? मीठा पानी भी है, मीठा पानी भी है, मीठा पानी सिर्फ मीठों के लिए। नैपकिन नहीं चलती, यहाँ चलते कागज। गोलगप्पे थे तो तीखे, अच्छे भी थे, ये करवाए भी थे, अच्छे भी थे, लेकिन साफ सफाई बिल्कुल भी नहीं भाई बंदा उंगली डाल के खिला रहा था। तो हम निकले थे गढ़ीसर लेक के लिए, फिर हमें भूख लगी तो हम लोग ने कोई ढाबा ढूंढा, ढाबा भी मिला, लेकिन अभी हमें मिल गया है ये मंदिर पैलेस। खाना तो आपको पता है हम खाएंगे नहीं, खाना महंगा ही होगा, तो हम यहाँ रेट एक्सप्लोर करने जा रहे हैं कि भाई ऐसा कितना महंगा है। बढ़िया जगह लग रही है, बट गजब की जगह है, देखते हैं आगे बताते हैं। डॉक्टर प्रणव मेरे साथ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफिशियल का लेटर दिखाया फिर से लेकिन प्राइवेट प्रॉपर्टी में नहीं चल रहा, कुछ अलग बना के लाना की और एडिट करते थोड़ा एडिट करना पड़ेगा, एडिट कर लेते हैं, रात को करेंगे, कल परसों काम आएगा देखते हैं। तो पैसों की बात नहीं थी यहाँ पर लंच ही नहीं मिल रहा था, ना तो हम कर लेते भाई आज, तो चाहे जितना मर्जी महंगा होता, इतनी ज्यादा बहुत अल्टीमेट है, नोट वाले जितना मर्जी महंगा कर लेते हैं, करिया नहीं होता, वो भाई कह रहा है कि अभी तो चेंज जाने के लिए बड़ा बंदा 60 में बना लिया तब भी नहीं गए उसके पास, चेंज नहीं थे वो 500 रुपए पड़े थे हमारे पास, चेंज होता तो हम चल लेते उसके पास, बताओ भैया। यस बिल्कुल सही है भैया, और ऊपर से गोलगप्पे खाने को ना मिलते, गोलगप्पे खाने को नहीं मिलते, सही बात है, सबसे बड़ी बात। तो मंदिर पहले भी मतलब हमने ऊपर से घूम लिया, ये भी ना देखते हमें पता ही नहीं था यहाँ का। हाँ सही बात है ना, तो ये जो पैदल चल के जो चीजें एक्सप्लोर होती है वो तुम ऑटो या कैब कर कभी नहीं कर सकते। राहुल भाई क्या बोल रहे, सही बात है कोई नहीं भाई आ जाएगा, बन जाओ मेरी तरफ करो, ठीक है भाई। ये था मंदिर पैलेस, आगे चलते। तो हम लोग पहुंच चुके हैं हनुमान चौक, हनुमान चौराया, और यहाँ पर हम लोग करेंगे लंच, और यहाँ की मार्केट आप देख सकते हैं। बाकी मैं आपको लंच करके बताऊंगा लंच कैसा है यहाँ का, बहुतों ने बोला कि लंच मतलब ज्यादा महंगा भी नहीं है और खाना अच्छा है, अब खा के बताते हैं। खाना कैसा था ये बताओ पहले? बहुत ही बेहतरीन था, यहाँ पर हम हनुमान चौक पर चंदनशील रेस्टोरेंट है, 200 रुपए की आपको पनीर मटर मसाला की प्लेट मिलेगी, 190 रुपए की शाही पनीर की प्लेट, और साथ में बटर रोटी ली। कितनी की? बटर रोटी 12 रुपए। टेस्ट कैसा था? टेस्ट बहुत ही लाजवाब था, अभी बाइक को कंसर करो, ये बाइक में बहुत अच्छी सर्विस दी। हाँ और भाई अपने बारे में बताओ, कब से काम कर रहे हो? कब से काम कर रहे हो? 23 तारीख। नाम क्या आपका? नाम क्या आपका? सलाम। सलाम सलाम भाई, और कुछ? ठीक है भाई, अच्छा लगा आपसे मिलकर, ठीक है भाई। कितना डाउन टू अर्थ हूँ मैं, ठीक है भाई। चंदन श्री रेस्टोरेंट के सामने, और हमारा बिल बना था 648 का, ठीक है, लेकिन प्रणव ने फिर से 100 रुपये कम करा दिए, बोलते हम बहुत बड़े यूट्यूबर है आपको फेमस करते हैं, वो लोग भी जाते यही ब्लॉग देख के हाजिर होंगे बाद पर 100 रुपये कम हो गए भाई। अब हम जा रहे हैं गढ़ीसर लेक फाइनली, पहले जाने नहीं ऑटो भाई चलाएंगे, कुनाल भाई की वजह से ऑटो भाई ऑटो करना भाई को नाराज भी करना, ठीक है, बुखार हो गया था फाइनली, ऑटो करने वाले जो 100 रुपए बचाए हैं उतने के ऑटो कराएंगे, 1 रुपए ज्यादा नहीं देंगे। तो हनुमान चौक से हमने इनको दिए हैं, हम इनको देंगे 40 रुपए, 10 रुपए पर सवारी, ठीक है भाई, भाई 10 रुपए कम कर रहा है, कम तो करवाने पड़ेंगे भाई, 10 रुपए ट्रिप के एंड में एक एक हिसाब दूंगा कहाँ कहाँ पैसा लगा। हम लोग पहुंच चुके हैं गढ़ीसर लेक, ठीक है, वहाँ से जहाँ हम चढ़े थे वहाँ से 1-2 किलोमीटर की दूरी पे था, और मैं आपको व्यू दिखा देता हूँ कैसा यहाँ का।
पढ़ने में आएगा जादू फिर चल पाएगा। मतलब डेली बातें प्रोटोकॉल बोल के अच्छा डाइट हो चुकी है। हवा भाई जी इस बंदे जितनी मर्जी करवा लो चल भाई खुशी देख आप खुशी देख सकते हैं यहाँ पर अब देखो अपनी हवा टाइट हो गई पानी उठाते हुए यहाँ से आप देख पा रहे हैं टेक्निक इसको सिखाई जाए ये बस सब कुछ चाहता है कि पकी पकाई तो गाइस फाइनली बोटिंग हो चुकी है और बोटिंग के चार्जेस है 150 रुपए पर पर्सन मतलब 600 रुपए करीबन है ना करीबन नहीं ऑलमोस्ट 600 रुपए। यहाँ भी परिंदे ने अपना जैक चला लिया और भाई तो 600 रुपए हमारे यहाँ बच गए। ठीक है अब गड़ीसा लेक भी कंप्लीट हो गया अब हम जा रहे हैं ब्याज छत्ते वहाँ देखते हैं अगर वहाँ भी एंट्री है तो भाई परिंदे जिंदाबाद कुछ तो लेटर लिख के लाए हो या घर से चलो भाई वहीं मिलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सरकारी लेटर लेके आओ पीएमओ से साइन करा के हम मिलते हैं आपसे ब्याज छत्ते में सनसेट होने वाला है। भाई पी के खत्म कर दिया एक नंबर मजा आ गया कैसा था पन्ने में सही बताओ मेरे को बहुत ही गजब लगा और भैया ने पूरे दिल से बनाया भैया आपने सबसे बड़ी बात ठीक है भैया थैंक यू बाय। चुके हैं ब्याज छतरी यहाँ के हमने देखा कि यहाँ भी अंदर घुसने के चार्जेस हैं और कैमरा के चार्जेस अलग हैं तो वहाँ पर पढ़ने भैया वापस अपने काम पे देखते हैं क्या। हाँ जी सर ये देखिए लेटर मेरे को बताने से कुछ नहीं हुआ हमारे ऑफिस में जाना पड़ेगा वो फोन करेंगे तो आपको अलाउ करते हैं। कौन सा ऑफिस लाइए हेड से बात कर रही हूँ मेरी हेड हाँ जी कुछ करना ट्रस्ट जाओ मेरे हेड का नंबर दीजिए मैं बात करता हूँ। देखा आपने फाइनली हमें एंट्री मिल चुकी है जैसा कि मैंने प्रिडिक्ट किया था पहली एंट्री फ्री होने वाली है। ये घूम रहे फिरने भैया क्या जैक लगा दिया हर जगह जैक लगा दिया फ्री एंट्री कैमरे के साथ जा रहे हैं 0 रुपए आके मैं अंदर आपको दिखाता हूँ कैसा रिया छत्ती ब्याज छतरी इतना छोटा सा ही है कुछ घूमने के लिए है नहीं यहाँ पर मेरे पीछे भी टूरिस्ट आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर थोड़ी देर में सनसेट होने वाला है तो वो लोग भी फोटो क्लिक करेंगे और हमने अपनी सारी फोटो खिंचा ली है। कुणाल भैया और राहुल की तबीयत खराब हो गई थी तो हम जाएंगे सीधा अभी होटल और अपना डिनर करेंगे। इस एपिसोड को इतना ही रखते हैं कल का दिन इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि कल हम जाएंगे सैम ड्यून्स और वहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ होंगी तो मज़ा आने वाला है। अगले एपिसोड को पक्का देखना। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।